वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया है कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि ये प्रोडक्ट आपको बाई करना चाहिए कि नहीं बाई करना चाहिए, इसमें आपको कितने सारे बेस्ट और कितने सारे बैड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो में आपको प्रोडक्ट के बेस्ट और बैड फीचर्स दोनों का रिव्यू, दोनों की अनबॉक्सिंग करता हूँ जो आपको कोई दूसरा यूट्यूबर नहीं बताता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बाई करो जो आप काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ करो, जिसको लेकर आपको फ्यूचर में कैसी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्किप मत करना, 1 मिनट लगेगा। ओके, सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। फ्रेंड्स कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं इस होम थिएटर का, इस स्पीकर का रिव्यू अनबॉक्सिंग करने वाला हूं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और ये ब्रांडेड स्पीकर होने वाला है फ्रेंड्स, जिसकी आवाज़ में काफ़ी बेस होने वाला है, काफ़ी गूंज होने वाली है और काफ़ी धमक भी होने वाली है। तो अगर आप एक होम थिएटर, एक स्पीकर बाई करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, क्योंकि मैं आपको इस होम थिएटर की रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये कैसा होने वाला है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, और इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, इसकी रियल MRP कितनी है। ओके, तो आपका हर एक डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करना, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, कोई भी इग्नोर मत करना, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और मेरा थोड़ा सा चैनल और ग्रो हो जाए, उसके बाद मैं भी प्रोडक्ट को बाय करके रिव्यू अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ कोई भी इग्नोर मत करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपको ये जो होम थिएटर स्पीकर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, तो भाई इसका लुक आपको काफ़ी बेस्ट देखने को मिल जाता है और आवाज़ भी काफ़ी बेस्ट होने वाली है, वॉइस का आउटपुट काफ़ी बेस्ट होने वाला है। ओके, तो इसमें आपको कैसे क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, डीप बेस देखने को मिल जाता है इसमें आपको, और ये आईकाल ब्रांड का ये होम थिएटर होने वाला है, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल जाती है। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, इसको इसमें आप अपना UX केबल भी लगा सकते हो, USB भी लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, TF कार्ड भी लगा सकते हो, और साथ ही साथ आपको इसमें FM रेडियो भी देखने को मिल जाता है। तो इतने टाइप से आप इसको प्ले कर सकते हो, इसको सुन सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो अपनी LED से, लैपटॉप से, टैबलेट से, तो जिससे भी आप कनेक्ट करना चाहते हो उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है। बात करते हैं इसके फीचर्स की। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें जो आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पहले बात करते हैं इसके मॉडल नेम की। तो इसका जो मॉडल नेम है आईकाल IK006। ओके, तो ये इसका मॉडल है, और इसके पावर के आउटपुट की बात करें तो ये 40 वाट का होने वाला है फ्रेंड्स। ओके, तो काफ़ी बेस्ट होने वाला है स्पीकर ये। MRP की बात करें तो 2449 रुपये MRP होने वाली है, जो कोई ये फिक्स MRP नहीं है, ये डे बाई डे प्लस माइनस होती रहती है, और मेरे अकॉर्डिंग MRP इसकी थोड़ी सी हाई है, बट ज़्यादा हाई नहीं है। ये आपको 2326 रुपये का आपको देखने को मिला है, तो इसकी MRP प्लस माइनस होती रहती है, कोई फिक्स MRP नहीं है। 40 वाट का पावर का आउटपुट होने वाला है। ओके, और आप इसको AC केबल के थ्रू आप इसको प्लग को लगा के सुन सकते हो, बजा सकते हो। इसमें आपको बैटरी सेट देखने को नहीं मिलेगा, और ये काफ़ी बेस्ट होने वाला है अगर आप इसको बाई करते हो तो, काफ़ी लॉन्ग टाइम यूज़ भी करने वाले हो, इतनी जल्दी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आपको इसमें डिजिटल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, रिमोट कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हो, और आपको की भी देखने को मिल जाती हैं। तो भाई काफ़ी बेस्ट होने वाला है, अगर आप बाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर वहीं पे करूँगा, अदरवाइज़ उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो ये वीडियो इतना ही है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड लुक, टेक केयर, जय हिंद, बाय।